मेरे ओपिनियन में एल ट्रॉम्बोपैक जो है वो सुपीरियर है टू बूस्ट प्लेटलेट काउंट इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक कंडीशंस, स्पेशली ब्लीडिंग व्हेन देयर इज आईटीपी और डीकॉम्पेंसेटेड सीएलडी और अदर थिंग्स एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग। यूजली प्रैक्टिस जो की जाती है वो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन को मैं नीचे रखता हूँ और एल ट्रॉम्बोपैक ट्रीटमेंट को मैं सुपीरियर रखता हूँ। उसकी वजह एक तो ये है कि नॉन इन्वेसिव है एल ट्रॉम्बोपैक, और उसके बाद ये है कि उसकी डोजेज बहुत ईजी है और ईजीली टॉलरेटेबल है, और जो ट्रांसफ्यूजन की कॉस्ट आती है इन टर्म्स ऑफ मनी, जो आपने प्लेटलेट का एफरेसिस किट बनवानी है, तो उतने पैसों में कम से कम को 3-4 महीने की डोजेज एल ट्रॉम्बोपैक की आ जाती है। तो पाकिस्तान में एल ट्रॉम्बोपैक नोवार्टिस वाले प्रोवाइड करते हैं, हमारे पेशेंट्स को वो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पे देते हैं वो। मैं इसलिए उनका नाम भी ले दिया, अदरवाइज़ हम नाम नहीं लेते किसी भी मार्केटिंग कंपनी का या मैन्युफैक्चरर का, हम जेनेरिक लेते हैं। लेकिन उन्होंने हमें इतना हमारे पेशेंट्स को डिस्काउंट दिया कि ऑब्वियसली उनका राइट बनता है कि उनको रिकमेंड किया जाए। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जहाँ तक बात है वो एक टेम्परेरी क्योंकि हल देता है, क्योंकि प्लेटलेट का जो यूजली बनाया जाता है सेटअप्स के अंदर वो ये है कि 6 होल ब्लड के लेके बैग्स, उसमें से एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का बैग प्रिपेयर किया जाता है, जो कि एक ऑब्सोलीट मेथड है और उससे बहुत कम इंक्रीमेंट मिलती है प्लेटलेट काउंट में, और उस प्रोसीजर के दौरान प्लेटलेट यूजली वेस्ट हो जाते हैं ड्यू टू एग्रीगेशन, क्लंपिंग और एग्रीगेशन प्लेटलेट्स वेस्ट हो जाते हैं, और उसका बजाय फ़ायदा होने के नुकसान भी हो सकता है। दे कुड कॉज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और थ्रोम्बोसिस एग्रीगेशन। तो जो प्रॉपर तरीका है जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का, वो प्लेटलेट प्रोडक्शन डिसऑर्डर्स के अंदर रिकमेंडेड है, कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का जो देना है आपने तो वो है ए प्लास्टिक एनीमिया और ज़्यादा से ज़्यादा लुकीमियाज इन्फिल्ट्रेशन इन बोन मैरो, उसमें ट्रांसफ्यूजन दी जा सकती है। मैं उसमें भी मैं प्रेफर करता हूँ कि जो एल ट्रॉम्बोपैक थेरेपी है वो ही दी जाए। उसकी वजह ये है कि उसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हैं और वो प्रोडक्शन को इन्हांस करती है, डिफरेंशिएशन को इन्हांस करती है, उसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। तो ये चंद चीज़ें थी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के हवाले से, बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके लिए कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग।